वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चल रही प्राइस वॉर से तो सब वाकिफ हैं। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ समय से भारी गिरावट देखने को मिली है। कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद सस्ते पेट्रोल डीजल की आस लगाए देशवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, एक बार फिर आम आदमी की जेब पर चपत लगने वाली है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। नई कीमतें 14 मार्च रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि मेट्रो शहरों में आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 69.87 रुपए और डीजल की कीमत 62.89 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 72.87 रुपए और डीजल की कीमत बढ़कर 65.58 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 72.57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 64.91 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद पेट्रोल 75.57 रुपए और डीजल 67.91 रुपए हो जाएगा। वहीं मुंबई में पेट्रोल 75.57 रुपए और डीजल 65.57 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि ड्यूटी लगने के बाद पेट्रोल 78.57 रुपए और डीजल 68.57 रुपए प्रति लीटर बिकेगा, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 72.57 रुपए और डीजल 66.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि इसके नए दामों के मुताबिक पेट्रोल 75.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल 69.02 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। भारतीय उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रियायतें मिलेंगी, लेकिन सरकार के इस फैसले से आम आदमी नाखुश है। ग्राहकों का कहना है कि जब वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार इसमें इजाफा करती है, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है तो इसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। वर्ल्ड वाइड प्राइसेस आर फॉलिंग, ठीक है ना, सबको पता है। हाँ, जब पहले राइज हुआ था ऑयल प्राइसेस, तो गवर्नमेंट ने रेज किया था प्राइस के, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं। अब जब इतनी नीचे आई हैं तो हमको क्यों नहीं बेनिफिट मिल रहा? थोड़ा तो बेनिफिट आम आदमी को पड़ना चाहिए। मेन थिंग ये है, अब हर चीज़ पे आप टैक्स लगाओ, हर चीज़ पे टैक्स लगाओ। आदमी ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलना चाहिए, मगर बेनिफिट, उसका बेनिफिट आम आदमी को क्यों ना हो। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय हालातों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी विकास के कामों के लिए जरूरी फंड जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर ये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई है। सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जबकि 1 रुपए प्रति लीटर का रोड और इंफ्रा सेस लगाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की वेबसाइट के अनुसार राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 19.98 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग रही है। अब 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की दर 22.98 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह दिल्ली में डीजल पर एक्साइज 15.83 रुपए प्रति लीटर की दर से वसूली जा रही है, जो अब बढ़कर 18.83 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। टैक्स में इजाफा करके सरकार अपनी वित्तीय हालत को दुरुस्त करना चाहती है। पिछली बार साल 2014 से 2016 के बीच कच्चे तेल के दाम तेजी से गिरे थे, तो सरकार ने इसका फायदा आम आदमी को देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी के रूप में पेट्रोल डीजल के जरिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला था। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच केंद्र ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और केवल 1 बार राहत दी। ऐसा करके साल 2014-15 और 2018-19 के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर टैक्स के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। साल 2014-15 में जहां वैट के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए मिले, वहीं साल 2017-18 में ये बढ़कर 1.8 लाख करोड़ हो गए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में आई कमजोरी से जूझ रही सरकार को अतिरिक्त पैसा जुटाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से सरकार के लिए ये फैसला लेना मुमकिन हुआ है, जबकि देखना ये होगा कि हाल ही में तेल की कीमतों में मामूली कटौती कर रही तेल कंपनियां इस बढ़ोतरी का कितना बोझ ग्राहकों पर डालेंगी।